हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों परिषदीय विद्यालयों में ई पाठशाला का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है और इसी के रिगार्डिंग अब परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन सर्वेक्षण होना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ई पाठशाला से संबंधित क्वेश्चन शिक्षकों से पूछे जाने हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे शिक्षकों से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछे जाएंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो जो बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर्स के लिए होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर उपलब्ध हों तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, इस वीडियो के बाद मैं एक नई वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैंने एक ई पाठशाला का रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। वो रजिस्टर मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे उस रजिस्टर को मेंटेन करना है। तो चलिए पहले आज की वीडियो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। साथियों, ये जिला मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक की लिस्ट है। ये इसमें लिखा है कि कौन से दिन किस विद्यालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, विद्यालय का नाम भी है और वीसी का समय। वीसी का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो यहाँ पर समय भी दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर जो स्कूल दिए हैं 30 स्कूल पहले सेलेक्ट किए गए हैं कि इन स्कूल की वीसी होनी है। तो साथियों, आप भी सतर्क रहें। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले स्कूल का नाम पूछा जाएगा, स्कूल का पता, स्कूल किस तरह का है आपका, पीएस है या फिर यूपीएस है, वीडियो कॉल शुरू होने का समय, ये भी आपको नोट कर लेना है। जिस दिन आपके वीडियो कॉल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ये समय आपको नोट करके रखना है। सबसे पहले विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या पूछी जाएगी। इसमें महिला शिक्षक कितने हैं और पुरुष कितने हैं, कितने शिक्षकों द्वारा वीडियो कॉल में प्रतिभाग किया गया, यह भी सूचना दर्ज की जाएगी। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं, बालक कितने हैं और बालिका कितने हैं, यह सब सूचना जाएगी। विद्यालय के कितने छात्रों के पास, जो छात्रों के अभिभावक हैं, कितनों के पास स्मार्टफोन है, ये आप पहले से ही नोट करके रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्यालय में कितने छात्रों के पास टेलीविज़न पर दूरदर्शन देखने की सुविधा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दूरदर्शन पर ही इन दिनों ई पाठशाला काम चल रहा है। उसमें रोज़ एपिसोड आते हैं और बच्चों को देखने होते हैं हमें, और यह कार्य हम डेली भी शेयर करते हैं अपने ई पाठशाला के ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। साथियों, ये सूचना आप तैयार रखें कि आपके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बच्चे हैं। हो सकता है कि आपने अलग अलग कक्षा का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो आप इस बात की सूचना जरूर रखें अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कितने बच्चे दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री देख रहे हैं। अगला सवाल, विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में दीक्षा ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। अगला सवाल, पिछले दो हफ्तों में अध्यापकों द्वारा कुल कितने छात्रों के अभिभावकों से कम एक बार बात की गई है। केवल पिछले दो हफ्ते की अवधि ही नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापक एवं अध्यापकों ने अब तक कितने वॉलंटियर्स को ई पाठशाला कार्यक्रम से जोड़ा है। साथियों, यहाँ पर जो वॉलंटियर्स का नाम है, वॉलंटियर्स मीन्स यहाँ पर प्रेरणा साथी से है, क्योंकि जो नया करेक्टर जुड़ा है ई पाठशाला में, प्रेरणा साथी, तो यहाँ पर आपको उसी का ब्यौरा देना है। कितने वॉलंटियर्स द्वारा दीक्षा एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप को इंस्टॉल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के कितने छात्रों को ई पाठशाला सामग्री देखने हेतु वॉलंटियर्स से प्रतिदिन 30 मिनट फोन उपलब्ध हो पा रहे हैं। अगला सवाल, विद्यालय के कितने छात्रों को वॉलंटियर्स प्रतिदिन खुद पढ़ाकर
सहयोग कर रहे हैं। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके जवाब आपको तैयार रखने हैं। हो सकता है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे वीसी के जरिए पूछे जाए। साथियों, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डैट के अधिकारी भी हो सकते हैं और आपके ब्लॉक के जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वे भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन के जवाब तैयार रखें। वीडियो कॉल समाप्त होने का समय भी आप रखें अपने पास कि हमारी वीडियो कॉल किस दिन हुई थी, किस समय शुरू हुई थी और किस समय वो आपकी समाप्त हुई। तो साथियों, इसे आप अपने पास सुरक्षित रखें। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें और इनके जवाब को कहीं पर लिखकर तैयार रखें ताकि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई उस समय कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा। वो वीडियो बना रहा हूं मैं, उसमें मैंने मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का एक नया रजिस्टर बनाया है जिसमें मैंने सब चीज़ लिख रखी है कि हमने किस दिन कौन सा कार्य भेजा है और कितने बच्चों को भेजा है, उनके अभिभावक एटसेट्रा, इसी तरह की जानकारी उसमें मैं आपको देने वाला हूं। तो साथियों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने अन्य मित्रों के साथ, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।